राजधानी में 17 महीने बाद आज से स्कूलों में 6वीं से 8वीं तक की क्लास लगना शुरू हो गई है। 50% क्षमता के साथ ही बच्चों को थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन करके प्रवेश दिया जा रहा है। एक कमरे में सिर्फ 20 बच्चे बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे। स्कूलों में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन भी अनिवार्य होगा। साथ ही लंबे समय बाद स्कूल खुलने से बच्चों के चेहरे पर अलग ही खुशी नजर आ रही है। बाद आज से 6वीं से लेकर 8वीं तक स्कूल खुलने जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल में। आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो स्कूल जाना के लिए पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं तमाम जो कोरोना की गाइडलाइन है वो व्यवस्था स्कूल में की गई है। गोले बनाए गए हैं और बच्चों को सैनिटाइजर किया जा रहा है, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और 50% की क्षमता के साथ बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है और एक एक क्लासरूम में 20 बच्चे मौजूद रहेंगे। तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। हमारे साथ स्कूल की जो टीचर है उनसे बात करना चाहेंगे। मैडम, किस तरह की व्यवस्थाएं स्कूल में की गई है कोरोना के प्रोटोकॉल के? विद्यालय में कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका पूर्णतः पालन हो रहा है और 50% बच्चों को बुलाया जा रहा है और उन्हीं बच्चों को कक्षा में जाने की अनुमति है जिनके अभिभावकों की अनुमति लिखित में हमारे पास जमा है। हमारे यहाँ सभी जितने भी आचार्य हैं सभी का वैक्सीनेशन हो गया है, लगभग सभी के सेकेंड डोज कम्प्लीट हो गए। बच्चे हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। बेटा, आपका क्या नाम है? अरुण यादव। कौन सी क्लास में हो? 7th। काफी लंबे दिनों बाद स्कूल खुल रहे हैं। घर में वर्चुअल पढ़ाई करते थे, अब स्कूल खुल रहे हैं, कैसा लग रहा है? कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। अब स्कूल में पढ़ेंगे आप, क्या कहेंगे? वो कहेंगे जो दीदी बुलाएगी। कहते हैं बच्चों में एक अलग ही खुशी मिल रही है क्योंकि 17 महीने बाद आज से स्कूल 6वीं से लेकर 8वीं तक स्कूल खुले हैं और 50% की क्षमता के साथ बच्चों को स्कूल में बुलाया गया है। वो सिर्फ बच्चों को मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। कैमरामैन इमरान के साथ सनी मालविया, न्यूज वर्ल्ड भोपाल। मध्य प्रदेश में 15 सितंबर तक ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी होगी। कमल पटेल ने